एक महिला को ट्रेन में ही प्रसव हो गया। 12978 अजमेर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के कोच नंबर S9 में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। GRP चौकी प्रभारी RP नागर ने बताया, आलोट नागदा के बीच डिलीवरी की सूचना मिलते ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्टाफ पहले से तैनात कर दिया था। यहां GRP और रेल कर्मचारियों ने महिला को उतारा, उसके बाद सरकारी अस्पताल पहुंचाया। ट्रेन में सवार गर्भवती महिला के साथ टिकट चेकर द्वारा अमानवीय व्यवहार करना भी सामने आया है। गर्भवती होने के बावजूद ठेकेदार ने महिला को उसकी मजदूरी के रुपए नहीं दिए, इसलिए उसे डिलीवरी के लिए अपने गृहनगर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बची कसर TC टिकट चेकर ने पूरी कर दी। मानवीयता दिखाने के बजाय TC ने महिला का चालान बना दिया। ऐसे में महिला के पास उपचार के लिए 152 रुपए ही शेष थे। आइए अब बताते हैं अमानवीयता के 2 किस्से। एक, ठेकेदार ने मजदूरी के रुपए नहीं दिए। झाबुआ जिले के गांव पंच पिपलिया निवासी पुष्पापति सूरज अपनी मां मुन्नीबाई के साथ कोटा मजदूरी करने गई थी। मुन्नीबाई ने बताया, बेटी पुष्पा की डिलीवरी तारीख नजदीक आने के बावजूद ठेकेदार ने मजदूरी के रुपए नहीं दिए, इसलिए अपने गृह नगर में बेटी की डिलीवरी कराने के लिए मुन्नीबाई शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे पुष्पा के साथ जयपुर अजमेर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में बैठी। इसी दौरान ट्रेन में ही उसकी डिलीवरी हो गई। आइए मानवीयता का अब दिखाते हैं आपको दूसरा किस्सा। गर्भवती होने के बाद भी TC ने बनाया 348 रुपए का चालान। ठेकेदार के रुपए नहीं देने पर मुन्नीबाई बेटी पुष्पा को लेकर ताबड़तोड़ झाबुआ के लिए निकली। मुन्नीबाई के पास महज 500 रुपए थे। जल्दबाजी में बगैर टिकट ट्रेन में चढ़ गई। कोटा के बीच महिला को TC ने बगैर टिकट पकड़ा और 348 रुपए का चालान बना दिया। इसी दौरान आलोट और नागदा के बीच पुष्पा को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने बच्ची को जन्म दिया। नागदा GRP को सूचना भी दी। GRP और रेल अमला ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर तैनात हो गया। ट्रेन आते ही GRP ने महिला को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। PRI बोले, बगैर टिकट सफर करने का नियम नहीं। रेलवे PRI मुकेश पांडे ने बताया, नियमानुसार यात्री को टिकट लेकर सफर करना जरूरी है। अगर किसी को कोई बीमारी या डिलीवरी जैसी स्थिति है तो रेलवे में इलाज की सुविधा है, बशर्ते संबंधित को इसका न्यूनतम शुल्क चुकाना होगा।